से जारी है देशव्यापी हड़ताल। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में NRLM कर्मियों द्वारा गुजरे 14 दिनों से जारी देशव्यापी हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के दफ्तर के बाहर बैठे कर्मियों द्वारा हड़ताल कर शासन के खिलाफ खासा रोष जाहिर किया जा रहा है। हड़ताल पर बैठे कर्मियों द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन से निस्तारण किए जाने की मांग की जा रही है। मिशन से जुड़े कर्मियों का आरोप है कि सरकार द्वारा उन्हें तमाम तरह के भत्तों का आश्वासन दिया गया था, जो कि गुजरे 2 सालों से उन्हें नहीं दिया जा रहा है। उसके चलते उन्हें देशव्यापी हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। मुख्यालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस पर कर्मियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। हड़ताल के दौरान कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। गुजरे 14 दिनों से हड़ताल अभी तक जारी है। कर्मियों का आरोप है कि पिछले 2 सालों में उनकी तमाम तरह के भत्तों पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिसके चलते उन्हें खासी मुसीबतों का सीधे तौर पर सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते अब मिशन से जुड़े कर्मियों को देशव्यापी हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी के साथ ही हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने प्रशासन को खुली चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांग ना मानी गई तो जल्दी हड़ताल आंदोलन का रूप ले लेगी, जिसके जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर होंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को जल्द बहाल करने की मांग की है। इस समय हम लोग आजीविका मिशन के अंतर्गत HR पॉलिसी को लागू करवाने के लिए हम लोग लगातार आज 14वें दिन भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई राज्य स्तर से नहीं हो पा रही है। और लगातार ये प्रयास में है कि हम लोग जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, हम लोग लगातार ऐसे ही हड़ताल करते जाएंगे। कितना भी दबाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों का ये जो मानदेय है वो बढ़ाना चाहिए, जो कि आज 4 साल से इन्होंने आज तक नहीं बढ़ाया है। जितने भी 6 साल 7 साल पुराने जो कर्मचारी हैं, जिनको संविदा से हटाकर थर्ड पार्टी कर दिया गया, तो दिक्कत सभी जगह हो रही है कि हम लोगों को सही तरीके का मानदेय भी नहीं मिल रहा है, ना इंक्रीमेंट मिल रहा है। HR पॉलिसी केवल नाम के लिए बना दी गई है और उसका सही से इम्प्लीमेंट भी राज्य स्तर के लोग नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मिशन निदेशक महोदय हैं, वो चाहते तो हैं कि HR पॉलिसी लागू हो, लेकिन उनके ऊपर भी जो बैठे हुए हैं वो अधिकारी लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि इनका कुछ मानदेय या इनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो, क्योंकि हम लोग आउटसोर्सिंग से हैं, थर्ड पार्टी से हैं, तो हम लोगों को उतना तवज्जो जो है वो नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों का नियमितीकरण करते हुए 60 वर्ष तक के लिए हम लोगों को नियमित कर दें, भले संविदा में रखें, लेकिन हम लोगों को परियोजनाओं से जोड़कर रखें, क्योंकि हम लोग भी अब लगभग 40 साल के पार भी होने वाले हैं, तो किसी को भी आगे चल के नौकरी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है। देखिए, हम लोग पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में काम कर रहे हैं और हम लोग HR पॉलिसी को लेके हड़ताल पर हैं। साथ में हम लोग जो ट्रांसफ़र की नीति थी उसको लेकर के काम कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं। साथ में हम लोग चाह रहे हैं कि नियमितीकरण हो और अध्यक्ष साहब जो हमारे प्रदेश के हैं उनको निकाल दिया गया है, तो उनको भी वापसी चाहते हैं। तथा हम लोगों के द्वारा जो पहले हमें बताया गया था भर्ती के दौरान कि आपको HR पॉलिसी लागू की जाएगी और उनमें विभिन्न प्रकार के जो भत्ते दिए जाते हैं उन भत्तों को दिया जाएगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उनको रोक रखा है, देवी निरा, इसलिए हम लोगों को मजबूर कर दिया है। तो हम चाह रहे हैं कि प्रशासन और शासन हमारे साथ सहयोग करे और हम लोगों को धरना से बंद कराने के लिए हमारी पॉलिसी को लागू करें। कोशिश तो यही है सब लोगों की, हमारे 75 जिले जो उत्तर प्रदेश में, उन सभी जिलों में जिला विकास भवन पर सब लोग अपने धरना पर बैठे हैं और इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं की गई है। तो जो प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बोला गया वो ये कहा गया कि सभी लोग अपने साथ में, जब तक हमारी चीज़ों को मान नहीं लिया जाएगा तो जब तक हम लोगों को धरना प्रदर्शित करना है। लेकिन हम लोग जबरदस्ती कोई अलग से चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, वही चीज़ें मांग रहे हैं जो HR पॉलिसी में लागू की गई थी और जो हम लोगों को भर्ती के दौरान HR पॉलिसी जो बताई गई थी या दी गई थी, उसी के अनुसार हम लोग डिमांड कर रहे हैं। कोई हम शासन महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।